हे बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का कोई शिवलिंग रखा है, बट वृक्ष के नीचे अगर कहीं शंकर भगवान का शिवलिंग अगर विराजमान है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर निवेदन करूंगा, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी जिंदगी में दुख चल रहा हो, मरने का विचार नहीं करना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना, और थोड़ी मेहनत कर एक एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, एक कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए फिर मेहनत करो, बार बार मेहनत करिए, बार बार अपनी मेहनत को, अपने कर्म को जागरूकता के साथ करिए, इतना विद्या का अध्ययन करिए, खेत में इतना काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि देवदित्य महादेव भी तुम्हारा साथ दें और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें आगे बढ़ा जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, अगर उपाय को पूरा समझना है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। अगर आप अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आप पूरा उपाय समझ पाएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा गुरु जी द्वारा बताए गए बिल्कुल सही और नए उपाय आपके लिए लेकर आता हूँ, और गुरु जी से सुनकर पूरा उपाय आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश भी करता हूँ। और हर वीडियो में मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ कि आप कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं, पर आप लोग उसी में कंजूसी कर जाते हैं, कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता, तो महादेव के नाम का एक कमेंट आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। आज का उपाय गुरु जी ने बरगद के पेड़ के नीचे रखे शिवलिंग का उपाय बताया। आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपकी नौकरी की समस्या है, आप बार बार इंटरव्यू देने जाते हैं, आप बार बार नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं पर आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो आपको ये उपाय एक बार जरूर करना चाहिए। मेहनत पूरी करिए और साथ में महादेव के नाम का ये उपाय करिए, आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। अगर आपकी कर्ज की समस्या है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, महादेव ने चाहा तो आपका कर्ज धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी कोई रोग से संबंधित समस्या है, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही सोखा सा उपाय। इस उपाय के लिए आपको बरगद के नीचे रखा हुआ शिवलिंग देखना है। कहीं भी आपको बरगद के नीचे रखा हुआ शिवलिंग मिल जाए तो उस पर आप नित्य प्रतिदिन हर रोज एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। यह जल आप कभी भी चढ़ाना शुरू कर सकते हैं, किसी भी वार के दिन आप ये जल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं, पर एक बार शुरू करने के बाद आपको हर रोज यह जल महादेव के ऊपर चढ़ाना है, और साथ में अपने मन की मनोकामना, आपकी जो भी कामना है वो महादेव के सामने रखनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। महादेव ने चाहा तो आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। पर गुरुजी साथ में ये भी कहते हैं कि अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेहनत पूरी करनी चाहिए, आपकी मेहनत और महादेव पर किया गया विश्वास आपको सफल अवश्य करेगा। और अगर आप बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आपको उपाय के साथ साथ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, महादेव की कृपा से बीमारी में दवाई लगना शुरू हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए उपाय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।